हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि CBZ एक्सट्रीम में गियर की स्प्रिंग को कैसे चेंज करते हैं। ये CBZ एक्सट्रीम है, इसका ये देखिए गियर का स्प्रिंग टूटा हुआ, रिटर्न नहीं ले रहा ना, देख रहे हैं। इसे कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इंजन ऑयल ड्रेन कर लें, उसके बाद नीचे का ये किक स्टॉपर इसे खोल लें। इसे खोलने के बाद क्लच कवर के सारे बोल्ट को खोल लें और ये क्लच वायर को भी हटा लें। क्लच वायर को मैंने हटा दिया, अब इसे बाहर निकालूंगा। तो ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है मेरे ख्याल से, जहाँ मैं इसे बाहर निकालता हूँ। ये मैंने क्लच कवर को खोल दिया है और स्प्रिंग इसकी इस जगह पर रहती है। इसके लिए मुझे ये पूरा खोलना पड़ेगा, और ये पूरा खोलने के लिए पहले इसे खोलना पड़ेगा 3 स्क्रू। उसके बाद यहाँ बोल्ट होते हैं, तो हाउसिंग बाहर निकालना होगा इसे खोलकर। ये साइन से पूरा मिलता जुलता है, अगर आप साइन खोलें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी खोलने में। चलिए मैं इसे खोल के बताता हूँ आपको कैसे खोलना। 3 स्क्रू को इस जगह पे कूलर लगेगा, मैं कूलर लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं इसे खोलूंगा। ये पल्सर का क्लच नट खोलने वाला टूल्स है, आप यहाँ पर एक गोल टाइप का कुछ भी डालकर इसे खोल सकते हैं। पल्सर का क्लच नट खोलने का और इसका सेम लगता है ये टूल्स। अब मैं इसे बाहर निकालूंगा 4 बोल्ट खोलकर। दस का टी से या गोटी हैंडल से भी खोल सकते हैं। ये ज्यादा टाइट है। साइन का और इसका क्लच का और भी सारे पार्ट्स मिलते जुलते हैं। अगर आपने साइन खोला है तो इसे भी आराम से खोल कर आप चेंज कर सकते हैं। इसमें क्लच कूलर लगेगा, वो जो स्प्लेंडर में लगता है वो वाला क्लच का टूल्स लगेगा। चलिए मैं इस कूलर को इसमें लगा दे रहा हूँ क्लच सेंटर में। सो 19 की गोटी से मुझे खोलना है। ये आसानी से निकल गया। हम इसे बाहर कर लेंगे, इसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होती है और इस जगह पे स्प्रिंग है। चलिए मैं उधर से लीवर खोल के इसे शाफ्ट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो लीवर मेरा 10 नंबर बोल्ट से खुलेगा, मैं इसे खोल लेता हूँ। लीवर खोलने के बाद मैं शाफ्ट को देखिए, यहाँ पे एक वाशर है, ये वाशर इसमें लगेगा। मैं इसे यहीं रहने देता हूँ, जब फिटिंग करेंगे तब इसे लगाऊंगा। और ये स्प्रिंग देखिए टूट गया है, जो स्प्रिंग है ना ये टूट गया। मैं इस लॉक को बाहर निकाल के स्प्रिंग को चेंज करूंगा। ये देखिए ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, नया स्प्रिंग डालूंगा मैं। ये नया वाला स्प्रिंग है, पुराना वाला स्प्रिंग है। तो नया वाला स्प्रिंग को मैं इसमें डालूंगा
से डालूंगा और इसको, सॉरी एक हाथ से थोड़ा दिक्कत हो रहा, इसको इसमें खींच कर फंसा दूंगा, उसके बाद लॉक लगाऊंगा। चलिए मैं इसे खींच कर फंसा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। स्प्रिंग को ऐसे मैंने खींच कर इसमें फंसा दिया, अब मैं इसमें लॉक लगाऊंगा, ये वाला लॉक जो मैंने खोला था। मुझे एक सेल्फी स्टिक लेनी होगी वरना मुझे रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रहा। ये मैंने लॉक को इसमें फंसा दिया है और ये स्प्रिंग बाहर ना, इसलिए ये लॉक दिया हुआ रहता है। अब ये लॉक चेंबर में ना सटे इसलिए ये वाशर दिया हुआ रहता है। देखिए अब मैं इसे इसमें डाल दूंगा, देखिए ये चला गया इसमें और ये फिटिंग हो गया, ये हो गया। मैं इसे वहां यूज करके देख ले रहा हूँ काम कर रहा है या नहीं, देखिए सही काम कर रहा है ना, ये टूट गया था तो ये काम नहीं कर रहा था। अब मैंने जैसे खोला था वैसे मैं इसे फिट कर दूंगा, मैंने इसे जैसे भी खोला था वैसे फिटिंग कर दूंगा, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं। ये मैं ये जानकारी के लिए ये वीडियो बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आप घर में करने लगे, जिनका जो काम है वही करेगा। मैंने ये हाउसिंग के बाद एक वाशर लगेगा, उसके बाद क्लच प्लेट पूरा सेट, ये लगाने लगाते वक्त ये देख ले कि ये फ्री होना चाहिए, ये फ्री नहीं रहेगा तो आपको क्लच काम नहीं करेगा। फिर ये वाशर, उसके बाद ये नट, ये सीधा गन सीधा थ्रेड ही होता है, उल्टा नहीं होता। उसके बाद हम इसे पकड़ कर टाइट कर लेंगे, टाइट हो गया और ये फ्री है। अब मैं इसमें स्प्रिंग डाल दूंगा, तो लगता जो स्प्रिंग था देता हूँ, इसका पैकिंग नहीं फटा है, ये चलेगा। इसे जब भी आप टाइट करें तो कोना इस साइड और वो साइड अपोजिट साइड करें, ऐसे करने से आपका टूट सकता है, अगर कोना को नहीं टाइट कीजिएगा तो नहीं टूटेगा। चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, टाइट हो गया। इसके बाद इसे भी लगा देता हूँ, इसका तीनों स्क्रू को ऐड कर लेंगे।
उसके बाद इसे फिट करेंगे क्लच कवर को। इसे फिटिंग करने से पहले ये जरूर देख ले, ये पुशर गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसे फिटिंग कर देता हूँ। सारा किक वगैरह को मैंने फिटिंग कर दिया, अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ गियर ले रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको और भी जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।